भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के महासचिव भगवंत राव ने आरोप लगाया है कि गणेश विसर्जन को लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार अनंत चतुर्दशी को इस महीने की 9 तारीख को गणेश जी का विसर्जन कहा जाता है। उन्होंने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है कि भक्तों को परेशानी ना हो। उन्होंने काउंसलिंग के नाम पर पुलिस द्वारा भक्तों को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा है कि गणेश की प्रतिमाओं को टैंक बोन तक ले जाने से पुलिस रोक रही है। उन्होंने इसे सरकार का साजिश करार दिया है। भगवंत राव ने सरकार से विसर्जन कार्यक्रम में सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर हिंदू त्योहारों को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर में बतकुम्मा, बोनालू, रमजान, मुहर्रम, क्रिसमस के प्रति जितना उत्साह दिखाते हैं उतना उत्साह गणेश उत्सव के प्रति नहीं है। उन्होंने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि विसर्जन कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हो। जीएचएमसी के अधिकारियों ने बताया है कि गणेश विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाए जाएंगे। अभी तक जीएचएमसी के अधिकारियों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि ये शहर में कहां बने हैं। उन्होंने कहा है कि टैंक बोन में ही गणेश विसर्जन किया जाए और कल नेकलेस रोड पर बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। यदि विसर्जन की उचित व्यवस्था नहीं हुई तो हम वह प्रतिमा स्थापित कर विरोध करेंगे। पूरे शहर में गणेश उत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। इसी के तहत सिकंदराबाद के इंदिरा नगर में नेताजी शॉप्स फ्रेंड्स एसोसिएशन के तत्वावधान में गणेश नवरात्रि का भव्य आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भगवान गणेश के दर्शन किए। गणेश के आयोजकों ने किशन रेड्डी का स्वागत किया, स्वामी के दर्शन की व्यवस्था पूरी की। आयोजकों ने कहा है कि वे पिछले 30 सालों से गणेश नवरात्रि का आयोजन कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि नवरात्रि हिंदुओं की एकता दिखाने के लिए है। भाजपा के राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी के साथ खैरताबाद महागणपति के दर्शन किया। बंडी संजय ने गणपति 20 किलो लड्डू समर्पित किया। उन्होंने कहा है कि वे हिंदू समाज के एकजुट शक्ति दिखाने के लिए भगवान विघ्नेश्वर की पूजा करेंगे। बंडी संजय ने कहा है कि हिंदुओं के प्रथम पूज्य तेलंगाना में हिंदू समाज को जगाना होगा। खैरताबाद गणेश उत्सव धूमधाम से जारी है। चूँकि यहाँ 5वां दिन है, भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ है चिंतला रामचंद्र रेड्डी सर, जो खैरताबाद XMA ले रहे हैं। तो आज हम इनके इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो 50 फीट का मिट्टी का महागणपति बिठाए हैं यहाँ पर, और जिस तरह से जन श्रद्धालु हर जगह से यहाँ पर उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो इस हिसाब से सर आप अपने को क्या और विशेषता बताएंगे, चलिए उनसे ही जानेंगे। सर हमको विनायक का विशेषता बताइए, खैरताबाद विनायक का विशेषता बताइए, उसी तरह से मिट्टी गणेश का जो प्रस्ताव रखे थे और जिस तरह से इस बार स्पेशली पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, पहली बार अपन मिट्टी विनायक बिठाए थे यहाँ पे खैरताबाद में, उसके बारे में हम लोगों को कुछ स्पेशल विशेषता बताइए सर। आज खैरताबाद गणेश 70 साल से यहाँ बहुत बड़ा उत्साह होते रहता है। सारा विश्व के अंदर आज खैरताबाद गणेश जी का भक्त बहुत लोग है। आज इस 55 फीट का मिट्टी का गणेश बना के 2 साल कोरोना के नाते से पूरे फीट का आज इस मिट्टी का गणेश यावत विश्व के अंदर आज आराधन कर रहे हैं। आज भक्त सवेरे से लेके रात में 2 बजे तक भी आके स्वामी जी का दर्शन कर रहे हैं। 2 साल कोरोना का समय के ऊपर वो सो इस दिक्कत को भगवान जी ने आशीर्वचन देके सरकार, केंद्र सरकार ने 2,10,00,000 वैक्सीनेशन देके आज भक्तों को, पूरे लोगों को इस कोरोना को जय करके, कोरोना को बाजुक रख के यावत प्रजा आज यहाँ के दर्शन करें, हमको बहुत खुशी है। ऐसे ही हर साल भी माँ गणेश महाराज जी का इस पर्यावरण परिरक्षण के वास्ते मिट्टी का गणेश बनाते हुए पूरे अपन देख रहे, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा ही भक्त लोग इस गणेश जी से आशीर्वचन लेना, अच्छा बरसात आना, अच्छा विद्या देना बच्चे लोगों को, ऐसा हम लोग भगवान से प्रार्थना कर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
सो ये थे हमारे साथ चिंतला रामचंद्र रेड्डी, जो अब तक हम हमारे साथ रहकर हमें खैरताबाद के जो 50 फीट के मिट्टी गणेश को जहाँ पर यहाँ पर महागणपति को बिठाए है उसके बारे में उनको विशेषता बताए। कैमरामैन वेणु के साथ माधुरी, सिटी विजन। हैदराबाद के काचीगुड़ा में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत चप्पल बाजार हिंदू वॉरियर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में गणेश की स्थापना की गई है। आयोजकों ने कहा है कि वे यहां 15 साल से गणेश उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। हिंदू योद्धा संघ का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना और अगली पीढ़ी को हिंदू परंपरा की जानकारी देना है। उन्होंने कहा है कि गणेश उत्सव के हिस्से के रूप में हर दिन विशेष पूजा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य की शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति थे जिन्हें देश को गौरवान्वित करना चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर मंत्री ने टैंकबोन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के शिक्षकों को बधाई दी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन के माध्यम से सभी को बताया है कि आधुनिक समाज के लिए शिक्षक कैसे बने। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कक्षा में ही देश का भविष्य बनता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक गुरु होना चाहिए और ऐसे गुरुओं का सम्मान करना सभी का दायित्व है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने फ्री फिश फ्राई वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनगांव जिला स्टेशन घनपुर के पल्ले गुट्टा में विधायक राजैया के साथ घनपुर जलाशय में 3 लाख मछलियां छोड़ी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जातिगत व्यवसाय को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा है। इसी के तहत सीएम केसीआर के आदेश अनुसार हर साल फिश फ्राई का वितरण देश में कहीं और की तरह निःशुल्क किया जा रहा है। यह सुझाव दिया गया था कि मछुआरों को तालाबों पर पूरा अधिकार है और ऐसे तालाबों को दलालों को नहीं सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार मछुआरों की हर तरह से मदद करेगी। मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि पहले लोग मछली के लिए आंध्र क्षेत्र पर निर्भर थे और सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों से राज्य की मत्स्य संपदा में वृद्धि हुई है। मिशन काकतीय के अंतर्गत तालाबों से गाद निकाला जा रहा है। मंत्री ने मुफ्त मछली वितरण के तहत रंगारेड्डी जिले के जलापल्ली पेड्डा तालाब में कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि इस साल 68 करोड़ की लागत से राज्य भर में 26,778 जल स्रोतों में 88.53 करोड़ मछली तालाबों में छोड़े जाएंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा लाए गए फिश फ्राई की बारीकी से जांच की जाए और सरकारी नियमों का पालन करने वाले तालाबों में छोड़ा जाए। सबसे भाजपा रंगारेड्डी जिला अन्नाराम संभाग के पार्षद बद्दाम प्रेम महेश्वर रेड्डी की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने आश्वासन दिया है कि पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी। इसके लिए एलबी नगर भाजपा पार्षदों के साथ गड्डियानारम में मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई। रंगारेड्डी जिला भाजपा अध्यक्ष समा रंगारेड्डी ने कहा है कि पार्टी बद्दाम प्रेम महेश्वर रेड्डी के परिवार के साथ खड़ी रहेगी और कार्यकर्ताओं और नेताओं से हिम्मत नहीं हारने को कहा। रंगारेड्डी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने प्रेम महेश्वर रेड्डी को अपहरण की कहानी में मास्टरमाइंड के रूप में केवल एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी के आदेश पर चित्रित किया। अवैध मुकदमों का डर नहीं है। भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने विधायक प्रेम महेश्वर रेड्डी के खिलाफ विधायक और पूर्व पार्षद गाड़ा से पूछताछ करने के लिए अवैध मामले दर्ज किए हैं। जिला 320 ए गवर्नर लॉयन जुलूरी रघु ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि सर्वपल्ली राधा कृष्ण जयंती के दिन ही उनका भी जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर बागंबर पेट शिरडी साई संस्थान साई बाबा मंदिर में विशेष पूजा की गई। उन्होंने कहा है कि सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्मदिन पर सभी लोग गुरु पूज्योत्सवम का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे दिन अपना जन्मदिन मनाकर उन्हें बहुत खुशी होती है। उनके जन्मदिन के अवसर पर शिरडी साई बाबा मंदिर और उस्मानिया परिसर एनसीसी में मधुमेह की निशुल्क जांच की गई। वहां लॉयंस क्लब के नेतृत्व में एक साल से जनसेवा में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष ई बुच्चैया, लॉयंस क्लब के सचिव बुरा राम, लॉयंस क्लब के कोषाध्यक्ष एस सोमशेखर सहित अन्य ने भाग लिया। हैदराबाद बागंबर पेट एनआईए ने छापेमारी की। अधिकारियों ने अपार्टमेंट में चैतन्य महिला संघम राज्य संयोजक ज्योति के घर पर छापा मारा।
ज्योति ने कहा है कि NIA ने उनके संगठन को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा है कि वरंगल में अनीता के घर और आंध्रा में राधा के घर की एक साथ तलाशी ली गई। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यक्रमों का विवरण, एजेंडा, तस्वीरें और सदस्यता सूची को जब्त कर लिया गया है। हैदराबाद के टोली चौकी में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। टोली चौकी पुल पर कार अनियंत्रित होकर रोड डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा है कि तेज गति दुर्घटना का कारण है। टोली चौकी अपर ब्रिज पर एक सड़क दुर्घटना के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रण किया। संगारेड्डी जिले के वटपल्ली मंडल के निर्जीपाला गांव के उपनगरीय इलाके में अद्भुत नजारा देखने को मिला। रविवार को मंजीरा नदी में इस दृश्य को देखा गया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मंजीरा नदी में अचानक बवंडर उठा। पानी की सफेद धार नदी से आकाश की ओर उठी। करीब 2 मिनट तक पानी की धार आसमान की ओर उठता हुआ देखा गया। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सार्वजनिक जीवन सामान्य होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 227 लाख लोगों की कोविड जांच की गई, जिसमें 5,910 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7,034 लोग महामारी से ठीक हुए, 9 लोगों की मौत हुई। जैसे ही केरल ने अपने आंकड़ों को संशोधित किया, मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। देश में फिलहाल 53,974 एक्टिव केस है। ताजा मामलों को मिलाकर अब तक सामने आए मामलों की संख्या 4,44,62,445 हो गई है। इनमें से 4,38,80,464 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में डेली पॉजिटिविटी कल घटकर 2.60% पर आ गई है। सक्रिय दर 0.12%, ठीक होने की दर 98.69% और मृत्यु दर 1.19% थी। देश भर में अब तक वैक्सीन की 213.52 करोड़ डोज बांटी जा चुकी है। कल 32.31 लाख लोगों ने टीका लगाया।